हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, मींस क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 24। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें कोस टू द पावर 4 2x dx। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कोस स्क्वायर 2x इनटू कोस स्क्वायर 2x dx। कोस स्क्वायर x की प्रॉपर्टी क्या होती है, मींस कोस 2x इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। मींस यहां से आ गया कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। अप्लाई करिए यहां पे, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस x की जगह क्या है 2x 4x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 dx। 1/4 बाहर आ गया। अब देखिए 1 प्लस कोस 4x और 1 प्लस कोस 4x मीन्स होल स्क्वायर है, क्या होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x होल dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अगेन इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ये वाली, क्या आएगा 1 प्लस कोस x के प्लेस पे क्या है 4x, मींस क्या हो जाएगा 8x अपॉन 2 प्लस 2 कोस 4x होल dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x मीन्स sin 8x अपॉन 8 प्लस 2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। मीन्स ये आ गया 1/4 x प्लस x बाई 2 3x बाई 2 प्लस साइन 8x अपॉन 16 प्लस 2 to the 4 मीन्स साइन 4x अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x dx। क्या कर सकते हैं हम इसको, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कोस x एंड कोस 2x इक्वल टू क्या होता है, ये होगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अप्लाई करिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x by 2 into cos x by 2 upon 2x के प्लेस पे है क्या यहाँ पे x, तो क्या होगा एंगल हाफ हो जाएगा, मींस 1 प्लस क्या करेंगे x के प्लेस cos x के प्लेस पे क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x by 2 into cos x by 2 upon cos is 2 cos square x by 2, 2 से 2 cancel और cos x से 1 cos x by 2 cancel, ये हो गया integration of tan x by 2 dx। क्लियर, integration of tan x क्या होता है,
इंटीग्रल, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हो गया साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू डी एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका? इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू। क्यों वन बाई टू? क्योंकि है क्या है यहाँ पे कोफिशियंट वन बाई टू, तो ये हो गया ओवरऑल टू लॉग मोड सेक एक्स बाई टू प्लस सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हमें कोस टू एक्स माइनस कोस टू अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कोस टू एक्स का, यहाँ पे आएगा टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। सिंप्लीफाई करिए इसको, ये आ गया टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वन अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। वन से वन कैंसिल, टू को पुल आउट कर लिया हमने, यह आ गया टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कर देते हैं सेपरेट, यह आ गया कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ पे फाइनली बचा इंटीग्रेशन, हमें फाइंड आउट करना है कोस एक्स प्लस कोस अल्फा डी एक्स। यह आएगा इंटीग्रेशन इसका, टू तो बाहर है ही, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस, ये क्या है कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो यह आ गया प्लस एक्स कोस अल्फा प्लस सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको कर सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यह आ गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स। को क्या कह सकते हैं, टू साइन एक्स कोस एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। मीन्स ये आया इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। इस एक्स इसकी वैल्यू क्या होती है वन, तो इस वजह से मैंने इसको रिप्लेस करा दिया। क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मीन्स ये आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा न्यूमरेटर में, तो क्या करें कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। रिप्लेस कराइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी क्या आएगा लॉग मोड टी, और टी के प्लेस में क्या है t
टी के प्लेस पे है हमारा, हमने क्या लिया है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यह आ गया लॉग कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है टेन टू द पावर 3 एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। इसको ब्रेक कर लेते हैं हम, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को क्या कह सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई करिए, यह आया सेक स्क्वायर एक्स और यह सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब क्या करें, देखिए sec x इक्वल टू, मैंने पुट किया sec x इक्वल टू t, तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, sec x tan x dx इक्वल टू dt, रिप्लेस कराइए, ये हो गया t स्क्वायर dt माइनस tan x sec x का इंटीग्रेशन तो हमें डायरेक्ट पता ही है क्या होता है, ये हो गया sec x, फाइनल क्या हुआ t टू द पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस sec x प्लस c। मीन्स फाइनल t के प्लेस पे क्या रिप्लेस कराएंगे sec x, तो ये sec टू द पावर 3 x अपॉन 3 माइनस sec x प्लस सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 10 टू द पावर 4 एक्स डी एक्स। क्या कह सकता हूं मैं इसको, इसको लिख सकता हूं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको और क्या कह सकता हूं मैं, इसको मैंने कर दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यह आया इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अगेन मैं इसको क्या कह रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस वन sec स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए टेन एक्स को अगर टी पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पुट कर लेते हैं। देखिए टेन एक्स इक्वल टू, मैं पुट कर रहा हूँ इसके लिए दिस वन, टेन एक्स इक्वल टू टी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये अवेलेबल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया टी स्क्वायर डी टी माइनस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। क्या आया है यहाँ पे, ये आया टी टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ से मिला sec टू sec क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें
साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर लेते हैं इसको, यह आ गया साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, रिमेनिंग क्या रहा यहाँ से, साइन एक्स अपॉन ये हो गया साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कोस एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या हुआ कोस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया साइन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कोट एक्स, और वन अपॉन कोस एक्स इक्वल टू सेक एक्स मीन्स सेक एक्स इंटू कोट एक्स, सॉरी यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स इंटू वन अपॉन कोस एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, सिंप्लीफाई करिए इसको, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स सेक एक्स टेन एक्स का sec x प्लस cosec x इंटू cot x माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस c, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, इसको क्या करें हम cos 2x की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी क्या होगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर x प्लस माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं हम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 मीन्स ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, टू माइनस वन वन, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स मीन्स इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा टेन एक्स प्लस सी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स, मैं क्या कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कोस एक्स से ही मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टेन एक्स इंटू कोस टू द पावर फोर एक्स डी एक्स, इसको मैं ऊपर ले गया ये हो गया सेक टू द पावर फोर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स, इसको मैंने डिवाइड कर दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू टी पुट किया मैंने, टेन एक्स इक्वल टू टी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt मिलेगा हमें यहाँ से,
रिप्लेस कराइए, क्या होगा फाइनली, ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, मीन्स ये हो गया 1 प्लस टी अपॉन, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। सिंप्लीफाई करिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी प्लस टी डी टी। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया लॉग मोड टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आया लॉग टी को हमने क्या पुट किया है, टी इक्वल टू टेन एक्स, तो लॉग मोड टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है कोस 2x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। देखिए कोस 2x अपॉन इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स dx, मीन्स इंटीग्रेशन आया कोस 2x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x dx। पुट कर देते हैं हम 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी। क्यों पुट किया मैंने इसको, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा न्यूमरेटर में, तो क्या आया कोस 2x इंटू 2 dx इक्वल टू डी टी, मीन्स कोस 2x dx इक्वल टू डी टी बाई 2। 1 बाई 2 पुल आउट कर लेते हूँ मैं, ये आ गया 1 अपॉन टी डी टी, मीन्स इंटीग्रेशन आया 1 बाई 2 लॉग मोड टी प्लस सी, 1 बाई 2 लॉग टी इक्वल टू मैंने पुट किया है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है मुझे साइन इनवर्स कोस 2x। देखिए क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स, सिमिलर कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ओवरऑल यहाँ से मिला पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं साइन ए माइनस बी अपॉन क्या होगा कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये हुआ 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, साइन ए
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन ए साइन बी, मीन्स ये आ गया साइन एक्स माइनस बी इन टू कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी इन टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए इन टू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सेपरेट कर लेते हैं तो क्या होगा, जब सेपरेट करेंगे तो इस कोस एक्स माइनस ए से कोस ए एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस सॉरी कोस एक्स माइनस ए डी एक्स, यह है वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस बी इक्वल टू, अगर टी पुट कर देता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर अवेलेबल है तो क्या आएगा, मीन्स ये मान के चलिए ये क्या है टेन एक्स माइनस बी है और टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली फाइनल लिख देते हैं, ये होगा लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस ये किसका है लॉग कोस सॉरी लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आया वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी लॉग मोड सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, क्या कर सकते हैं स्कोर वन अपॉन साइन ए माइनस बी इन टू लॉग मोड वन अपॉन कोस एक्स माइनस बी अपॉन को वन अपॉन कोस एक्स माइनस ए प्लस सी, सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी इन टू लॉग मोड कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी प्लस सी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चंस गिवन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और उसके ऑप्शंस गिवन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट वी विल चेक। देखिए इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इन टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ से आया वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स माइनस माइनस प्लस कोट एक्स प्लस सी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ से हम क्या करें, डायरेक्ट उसका नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट यहाँ पे क्या है x इंटू ई टू द पावर x को अगर t पुट करता हूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। देखिए मैं कह रहा हूँ e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड, क्या आएगा e टू द पावर x इंटू वन प्लस x इंटू ई टू द पावर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। e टू द पावर x मैंने कॉमन ले लिया, पुल आउट कर लेता हूँ, वन प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, दिस वन रिप्लेस कराइए इसको, ये हो गया डी टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, मीन्स ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी, मीन्स टी के प्लेस पे क्या पुट करूंगा मैं, टी के प्लेस पे पुट करूंगा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, मीन्स ये आया टेन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेन ई टू द पावर एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।